मेहंदीपुर बालाजी में सोमवार को महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राधा कृष्ण व सीताराम मंदिर और मेहंदीपुर बालाजी धाम की भव्य सजावट की गई है। वहीं मंदिर रोशनी से जगमग है। मथुरा वृंदावन की तरह मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। वहीं मंदिरों में भजन संध्या, कीर्तन और अन्य कार्यक्रम भी होंगे। आज से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मेहंदीपुर बालाजी में उमड़ने लगी है। भरतपुर में पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने विधानसभा क्षेत्र में कई इलाकों में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से हुए जलभराव का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पानी निकासी में तेजी लाने और जलभराव क्षेत्रों में साइफन निर्माण के निर्देश दिए, ताकि जलभराव की समस्या ना हो। विधायक डॉक्टर गर्ग ने पीर नहर, जरौली, नगला, अस्तावन सहित कई क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान तहसीलदार, विकास अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और जयपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राजपूत सभागार में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में भाई बहन दिवस मनाया गया। इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। राखी जातियों और धर्मों की दूरियों और नफरत को मिटा देती है। वहीं कोलकाता घटना की निंदा करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि बंगाल के अंदर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। वहां के मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही हैं, षड्यंत्र कर रही हैं, लेकिन इंसाफ नहीं दिलवा रही। जयपुर में जेडीए लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है। आज जेडीए के मुख्य नियंत्रण प्रबंधन अधिकारी महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जोन 11 में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। जेडीए के द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा में कमला रेजिडेंसी के नाम से बसाई गई अवैध कॉलोनी में कार्रवाई की गई और बन रही नवीन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर पक्के मकान का ध्वस्तीकरण भी किया गया। बीकानेर में अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। दरअसल शहर में सड़कों पर होने वाले गड्ढों को समय पर नहीं भरा जा रहा है, जिसमें उनका आकार बढ़ता ही जा रहा है और वे बदहाल होती जा रही है, जिससे इन पर गुजरने वाले राहगीर भी परेशान होते हैं, जबकि जिम्मेदार अफसर इनकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिट्टी भराई की। झालावाड़ में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए वन विभाग की 100 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। दरअसल ग्राम पंचायत रायरा के कौलवा गुर्जर में अतिक्रमणियों ने कब्जे की नियत से सैकड़ों बीघा जमीन पर फसल बो रखी थी, जिसे ट्रैक्टर की सहायता से नष्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिन्हें समझाइश कर शांत कराया गया। राजस्थान के बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन और बस मालिक संघ की ओर से 27 अगस्त को प्रदेश स्तरीय चक्का जाम किया जाएगा। बस ऑपरेटर्स की ओर से सरकार को 24 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन अस्थायी परमिट के साथ साथ ऑफलाइन परमिट चालू रखने, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 2 माह का टैक्स माफ करने की मांग की गई है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि बस ऑपरेटर्स राजस्थान की ओर से परिवहन विभाग को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकलने के कारण मजबूर होकर चक्का जाम हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा है। इसके बाद भी यदि बस ऑपरेटर्स की समस्याओं की ओर से ध्यान नहीं दिया गया तो अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान की सरकार को हमने कई बार ज्ञापन दिए, परिवहन आयुक्त को, कमिश्नर को और सचिव को। पूर्व में हमारी जुलाई में बैठक हुई, जिसके अंदर हमारी लगभग 13-14 मांगे इन्होंने मंजूर की थी, लेकिन उनके आदेश आज तक जारी नहीं किए।
इस बात को लेकर के हमारे राजस्थान के समस्त बस ऑपरेटरों में भारी रोष है। उस रोष को देखते हुए आने वाली 27 अगस्त 2024 को पूरे राजस्थान की तमाम बसें बंद रहेगी। अगर फिर भी राजस्थान सरकार की नींद नहीं खुलती है और आदेश जारी नहीं करती है तो आगे हम फिर पूरी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, पूरे राजस्थान में चक्का जाम करेंगे। 30,000 बसें बारा के शाहबाद क्षेत्र में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के चलते हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। नदी तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से कई स्थानों पर पेड़ धराशाही हो गए हैं तो कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राजपुर कस्बे में विधवा महिला के घर पर पेड़ गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि घर में सो रही महिला को कोई चोट नहीं आई। पीड़ित महिला ने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है। शाम की जो हवा चली रात के और आंधी पानी ते में एक पेड़ गिरो थे घर पे गिरो घर बगर का और बामन डोकाई सूरज बिचारी तो वो हमने खेसी गया बरबट खेच के बाहर निकालिया थे कि मैं साथ था वो जाता तुम्हारी। पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति लोगों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। ऐसे में फलौदी से ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाने वाले जामवा रेलवे अंडर ब्रिज में 25 फीट से अधिक पानी भर जाने से यह रास्ता पिछले 10 दिनों से भी अधिक के समय से बंद पड़ा है। इस रास्ते बिश्नोई समाज के धार्मिक स्थल जाम्भोलाव धाम की और जावा ला जाने वाला यह रास्ता मुख्य है। साथ ही विजयनगर मोटाई चाखू के रास्ते लोग यहीं से गुजरते हैं। अब ऐसे में यहां जल भराव की स्थिति से अब लोगों का शहर की ओर जाना और आना बंद हो गया है। शहर पानी निकासी का पिछले 8 दिन से चल रहा है ये मौका, इसमें बार बार मिट्टी गिर जाती है। मिट्टी गिरने से ये पानी रुक जाता है। अकेला आदमी हूँ, खोदता हूँ मिट्टी पावड़ा लेके, ठीक है अकेला क्या करूँ, और नहीं तो ये अपने साफ दे रहे हैं ये रोड वाले, कोई सही तरह से जेसीबी लगा के मिट्टी बाहर नहीं निकलवा रहे हैं। हम तो प्रशासन को भी धन्यवाद देते हैं और सड़क वालों को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे मन में है दीपावली तक ये पानी निकल जाएगा। अच्छा, तुरंत नहीं निकलेगा? हाँ, तुरंत नहीं निकलेगा, क्योंकि ये एक पॉकेट है और दो पॉकेट है, तो इस एक पॉकेट से पानी कैसे निकलेगा। और वहाँ सड़क तोड़ दी, वो मलार जाने वाली, और मलार जाने वाली वो अपने माड़ियों के पास सड़क तोड़ी हुई, नहीं उसमें भी पाइप डाला, नहीं बात टूटी की टूटी पड़ी है पिछले 8 दिन से। जो फलौदी से आ रहे हैं उनके लिए कोई सूचना भी नहीं है कि टूटी हुई है? हाँ, किसी को सूचना नहीं है। या तो किसे बंद कर दे माड़ियों के पास में, भाई आके नहीं जाए, ठीक है लोग आते हैं बेचारे गोते खा के वापस जाते हैं। और जोधपुर के बालेसर से खबर आपको बता देते हैं, जहां उंटांबर गांव में अधेड़ की आत्महत्या का मामला सामने आया। मृतक के भाई ने 4 जातीय पंचों के खिलाफ बालेसर थाने में रिपोर्ट दी है। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया है। परिजन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव नहीं उठाने की मांग कर रहे हैं। हाथ में कोर्ट मैरिज कियो, लेकिन कोर्ट मैरिज के बाद में कोर्ट अगाध के बाद मार कर जब बस दलाल हो मैंने 100,000 रुपया ले लिया और घट कोई काको बड़ा मोन गाजी पकड़ने रास्ते गए कैसे 5,00,000 रुपया ले आओ पैसे ले रुपया ले कोर्ट मैरिज कागज भी जहाँ करा दिया, लेकिन बस हम पास धमकी दे रहे हैं मार रहे हूँ यूँ रहे 2-3 बार पैर दर्ज कराई। कौन कौन लोग हैं जगह धमकी दे रहे हैं? अमेदा राम और ना बेटा लूणा राम है और राहुल राम है मार लारो धनी है जो रुगा राम है दलाली। अच्छा, कदेरी घटना है कहने आप साथे पहला धमकी हो रही थी? धमकियाँ हुई जगह धमकियाँ तो हो रही है 7-5 महीने में कोर्ट मैरिज के बाद में लार धमकियाँ महीने पास देना शुरू कर दिया। अच्छा। लेकिन 2-3 बार में ये पैर दर्द कर रही हाई कोर्ट उधर रही और मुकदमा कोई कार्रवाई कर रही है नहीं है। और गंगापुर सिटी के टोडा भीम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां गंभीर नदी में पानी के तेज बहाव में 3 युवक बहे हैं। तीनों युवकों ने नदी के बीच बबूल के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। एक युवक सुरक्षित बाहर आ चुका है। मौके पर पहुंचे हैं पालाघाट थाना अधिकारी संतोष शर्मा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्वक्त की बड़ी खबर,